हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का एक स्पेशल वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक में वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए स्पेशल क्यों होने वाला है, क्योंकि आज हम गणित के उन 15 प्रश्नों का ट्रिकली सॉल्यूशन करने वाले हैं जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो SSC, रेलवे, डिफेंस, या अगर आप किसी भी सेक्टर में आप एक बार जाकर देखिए, ये प्रश्न जो आज हम डील करने वाले हैं वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछना एकदम बिल्कुल तय है। और आज हम उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल शॉर्ट मैजिक ट्रिक के थ्रू ट्रिकली सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक बार मैं ऑडियो वीडियो चेक कर लेता हूँ, फिर शुरुआत करते हैं। चलिए, तो ऑडियो बिल्कुल सही है, वीडियो बिल्कुल सही है, और आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। फटाफट आप लोग कर लीजिए ये काम, ताकि हम क्लास की शुरुआत कुछ ही क्षणों में कर सकें। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए, और क्लास की शुरुआत करने वाले हैं टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड है SSC, रेलवे एंड डिफेंस के। देखिए गणित के 15 ऐसे प्रश्न जो 100% परीक्षा में आना बिल्कुल तय है। मैथ के ये 15 रिपीटेड प्रश्न है। रिपीटेड का मतलब क्या हुआ, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है इस तरह के प्रश्न, कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया है और आप हो सकता है कि सही ढंग से उसको नहीं बना पाए। तैयार हो गए, शुरुआत करें। ऑडियो क्लियर है एक बार बिल्कुल बता दीजिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल 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 शुरुआत करें। ऑडियो क्लियर है एक बार, ऑडियो सही लग रहा है आपको जी? तो 15 रिपीटेड प्रश्न, और चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पहला सवाल, सॉरी हाँ ये पहला सवाल जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि एक दुकानदार को 46 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान। ये प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए शुरुआत ही धमाकेदार हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से हमने शुरुआत की, और हर चैप्टर से एक एक दो दो प्रश्न है और बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में। सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कहा गया है कि एक दुकानदार है जो वस्तु को 46 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर वो फील कर रहा है कि उसको 8% का नुकसान यानी लॉस हुआ, तो 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचा। देखिए कोई भी वस्तु का क्रयमूल्य, एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु का क्रयमूल्य होता है 100%। ठीक है, अगर आपको 8% का नुकसान हुआ तो उसी 100 में 8 घटाएंगे, यानी आपने वस्तु को कितने में बेचा, 92। अगर 6% की लाभ की बात कर रहा है यानी आप वस्तु को कितने में बेचेंगे, 106%। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रश्न कह रहा है कि आपने वस्तु को कितने में बेचा, सर जी हमने वस्तु को बेचा 46 में, और 46 में बेचने पर आपको क्या फील हो रहा है। सर कोई भी वस्तु 100% में खरीदा जाता है बच्चों, कोई भी वस्तु 100% में खरीदा जाता है, और अगर आपको, ठीक है, अगर आपको 8% का नुकसान हुआ यानी 100 वाला वस्तु आपने बेच दिया 92% में। सिंपल समझिए, एक शॉर्ट मैजिक ट्रिक। एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान हुआ, यानी 46 रुपये की वैल्यू 8% नुकसान के साथ 92%। अगर बोलता 10% का नुकसान तो नीचे 90 लिखते, 10% का लाभ तो 105, यानी प्रतिशत का मतलब 100%। और अगर लाभ बोले तो इसी 100 में जोड़ेंगे, और हानि बोले तो इसी 100 में घटाएंगे भी। तो 46 रुपये में बेचने पर 8% का नुकसान हुआ यानी उसकी वैल्यू 92%। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि 6% का लाभ चाहिए तो बताइए वस्तु को कितने में बेचिएगा, सर बेचेंगे 106%।
क्योंकि प्रतिशत का मतलब प्रतिशत से प्रतिशत 46 दुनी 92 53 दुनी 1 से 106 यानी वस्तु को हम बेचेंगे 53 रुपए में। कॉपी में नोट करिए फटाफट आप सभी लोग, वस्तु को कितने में बेचेंगे बच्चों? 53 रुपीज में हम वस्तु को बेचेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? चलिए यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना बोलिए सभी स्टूडेंट। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर का बटन दबा दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करिए। ये पहला सवाल अच्छा रहा या नहीं? यस या नो? हाँ जी, अभी ऐसे ऐसे 15 प्रश्न रखेंगे जो अलग अलग टॉपिक से, कोई रेशियो से रहेगा, कोई मिक्सचर से रहेगा, कोई परसेंटेज से, कोई प्रॉफिट एंड लॉस से, कोई टाइम एंड वर्क से, कोई ट्रेन से, कुछ भी अलग अलग तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये रिपीटेड है भाई, हर बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये इतना रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है ना, उसमें इतना धड़ल्ले से ये पूछा जा रहा है ये प्रश्न इस तरह का। और एवरेज बच्चे इसको गलत कर देते हैं, एवरेज बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखें, आप उत्तर देकर दिखाइए जरा कि आप सही बता रहे हैं या नहीं। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और जवाब हम आप ही से मांगेंगे। जवाब किन से मांगेंगे? आप ही से मांगेंगे आपसे। जल्दी उत्तर देकर दिखाइए जरा कितना है भाई, वो आपने देखा है ना, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। चलो सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, आज सफलता बैच पर ऑफर है जी 50%, यानी जो 1000 का बैच था वो 399 में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, उसके ऊपर हमारा एक ही बैच अभी चल रहा है मैथ और रीजनिंग का, जिस पर लगभग 700 बच्चे हैं, कोई डाउट नहीं, उसमें 700 बच्चे हैं। बैच का नाम है सफलता बैच, ठीक है? चलिए फटाफट जुड़िए हमारे साथ, ठीक है बच्चों? ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए यहां तक आप लोग जुड़िए पहले फटाफट। ठीक है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए इस प्रश्न का, क्या होगा सही उत्तर? फटाफट उत्तर दीजिए इस प्रश्न का, सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं इस प्रश्न को बनाने में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बन जाएगा? जी हाँ, बहुत सारे बच्चे बी और सी की ओर जा रहे हैं, और ये अच्छी बात है अगर आपका प्रश्न सही जाता है। देखिए प्रश्न कहा गया, दो संख्याओं का मौसा और लसा का गुणनफल आपको दिया हुआ है 216। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 216 दिया, जिसमें एक संख्या 12 हो, तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात। देखिए आपने एक रूल पढ़ा है कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब आपको देखिए पता ही है कि सर लसा और मसा का गुणनफल 216 है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 216, एम आई राइट? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 216, तो यहां पर लसा गुने मसा को आप लिख सकते हैं 216 बराबर। आपको कह रहा है कि यदि एक संख्या यानी पहली संख्या आपको गिवन है 12, क्या हम दूसरी संख्या को x मान सकते हैं? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर x की वैल्यू चाहिए तो 12 एकम 12 12 96, क्या x की वैल्यू 18 हो गया? यानी एक पहली जो संख्या थी वो ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ था 12, दूसरी संख्या जो x थी जिसको हमने फाइंड आउट कर दिया 18, देन प्रश्न कर रहा है इन संख्याओं का अनुपात, यानी पहली रेशियो दूसरी, अनुपात चाहिए। सर पहली 12 थी, दूसरी 18 है,
6 × 12, 6 × 3 = 18, 2:3 इस प्रश्न का सही उत्तर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना में उत्तर करिए सभी स्टूडेंट जी। कुछ बच्चे बी और सी की ओर जा रहे थे लेकिन उनका इरादा भी बदल गया हमारे उत्तर आते ही। सही है, एम आई राइट? चलिए क्लियर है, एक बार हाँ बोलिए सभी स्टूडेंट। चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर। मजा आ रहा है आपको, हाँ या ना में जवाब दीजिए बस, यस या नो। ये जो प्रश्न है बहुत ही शानदार है और ये रिपीट है, दो प्रश्न दोनों अलग अलग चैप्टर से, तो ये एक आज के क्लास की सबसे बड़ी खासियत है कि कोई एक चैप्टर नहीं, टॉप 15 हम लेकर आए रिपीटेड, जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए तीसरे प्रश्न की बात करें कि कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 1800 रुपये की धनराशि 10 वर्षों में 2700 रुपये हो जाएगी। एक बेहतरीन सवाल, जल्दी से मैं कुछ समय आपको देना चाहूंगा ताकि हम खुद चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट हमारे बनाए, ठीक है। ये है हमारा एप्लीकेशन जिसके ऊपर आप सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप फ्री में क्विज कर सकते हैं और यहाँ पर कॉल वाहक केंद्र है ये जी, यहाँ पे आप हर तरह के प्रश्नों को पूछ सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है जो भी है, हो जाएगा, कर लेंगे, क्या बात है। अब मजा आ रहा है धीरे धीरे, नहीं कितने, क्योंकि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से, कोई एक चैप्टर से नहीं, हर प्रश्न को हमने अलग अलग चैप्टर से रखा, एक चैप्टर से रखते फिर मजा नहीं आता, वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन अब इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों को। चलो उत्तर दो भाई, सवाल बहुत सिंपल है, कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की दर पर 1800 रुपये की राशि। देखो एक होता है मूलधन जो धनराशि हो कितना 1800, एक होता है मिश्रधन जो लास्ट में हो जाता है, ठीक है, मिश्रधन यानी 1800 वाला कितना बन गया 2700, तो 2700 हो गया मिश्रधन, 2700 क्या हो गया मिश्रधन। एक होता है ब्याज जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा पार्टी इंटरेस्ट, ठीक है, वो इंटरेस्ट, वो वाला इंटरेस्ट नहीं, पढ़ने वाला इंटरेस्ट, मैथ का इंटरेस्ट। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन, और हमें पता है कि मिश्रधन है हमारा 2700 और मूलधन है हमारा 1800, तो ब्याज क्या हो गया 900, इंटरेस्ट क्या हुआ जी 900 इंटरेस्ट हुआ। अब देखो बच्चों पूछ क्या रहा है, आपको समय इस प्रश्न अनुसार दिया हुआ है, समय कितना 10 वर्ष का समय दिया हुआ है। देखो मैं ये जानबूझकर ले जा रहा हूं ताकि हमें बेहतरीन ढंग से सिखाना है। सवाल कह रहा है कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज की दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 27, हमें चाहिए दर, दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर, इसी से सब कुछ बन जाएगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। आप इसी से हर फॉर्मूले का समाधान, हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं यहां पर भी बन जाएगा। आप चाहें तो ब्याज देखो दोनों पे बना दो, ब्याज कितना है जी 900, मूलधन है 1800, समय है 10 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए डिवाइडेड बाई 100, 9 × 1800 जीरो से जीरो 2×5 = 10, आर बराबर 5% आ गया, जैसा कि आप पहले ऑप्शन, आप यहां से भी दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 × 2 = 18, 2×5 = 10 यानी 5%, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहे तो जिस प्रोसेस से चाहे आप उस प्रोसेस से बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे सी की ओर जा रहे हैं जो गलत उत्तर है जी आपका, सही है ये आपको समझ में आ रहा है यहां तक, हाँ या ना में उत्तर करिए सभी लोग। अगले प्रश्न पे चले हम लोग यस या नो। चलिए तीसरा सवाल, तीन हो गया ना, सॉरी चलिए चौथे प्रश्न पर आते हैं और जल्दी से उत्तर हमें फटाक से बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चौथा सवाल, बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, शेयर करने से आपको पता है कि काम करने का जो जज्बा होता है वो और बढ़ जाता है। इस तरह की क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस हम आपके लिए कंटिन्यू लेकर आएंगे, फिलहाल अभी इस प्रश्न को आप बनाइए।
राम एक काम को 5 दिन में कर सकता है, जबकि हरि अकेले, वो भी राम भी अकेले कर रहा है, राम अकेले काम को 5 दिन में कर सकता है, जबकि हरि अकेले वह काम 6 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करे तो उसे कितने, देखो अगर ए का समय दिया रहे और बी का, मतलब राम ए और हरि बी माने, अगर ए का समय दिया रहे बी का समय दिया रहे, बाबू अगर इस तरह का सवाल, ये टाइम एंड वर्क, देखो चैप्टर चेंज हो रहा है, मजा आ रहा है, ये एक नई पीढ़ी, एक नई चीज, नए कॉन्सेप्ट का निर्माण आज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल, कि राम एक काम को 5 दिन में कर सकता है जबकि हरे उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर, ए का दिया रहे समय दोनों, बी का दिया रहे और दोनों मिलकर पूछे, तो फॉर्मूला होता है ए बी बटे ए प्लस बी, टाइम एंड वर्क का ये सवाल है, ए बी बटे ए प्लस बी, यानी 6 पहले 5 है ना जी, कोई बात नहीं 5 6 कुछ भी हो, 5 × 6 / 5 + 6, 6 × 5 = 30 / 6 = 5 = 11, यानी 2 पूर्णांक 30 बटे, इतना ही है जी, चलो लीजिए, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कितने दिनों में जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम बिल्कुल, मोटिवेट होइए, जल्दी से शेयर करिए बटन को, शेयर वाला बटन दबाइए, अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर रहेगा, जल्दी एक बार हाँ या ना में हम जानना चाहते हैं कि खुश हैं इस क्लास से आप या नहीं, वो भी बिना बताए, ये क्लास आज हमने करवा दिया कि चलो नहीं कुछ बढ़िया लेकर आते हैं बच्चों के लिए, कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, मजा आ रहा है या नहीं, बस हाँ या ना में बताएंगे आप सभी लोग। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, लगभग 100 बच्चे लाइव होने वाले हैं, ये मुझे अभी हुए नहीं है लेकिन हो जाएंगे इतना पता है मुझे। रवि और सुमन का वेतन बनाओ जी, रिपीटेड है, SSC रेलवे और डिफेंस तीनों में रिपीटेड है, कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, ये आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है, ओके। सवाल बहुत बढ़िया है, रवि और सुमन का वेतन 2:3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक के वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि हुई तो नया अनुपात 35:50 हो जाए, तो सुमन का नया वेतन क्या होगा, ओहो चलो क्या बात है, बहुत ज्यादा ही खुश है, चलिए शेयर करते रहिए, बनाते रहिए प्रश्न को, नहीं बने तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगर नहीं बनने के बाद भी अगर आप हमसे सीख पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सवाल कह रहे हैं रवि और सुमन के वेतन का अनुपात 2:3, यदि प्रत्येक के वेतन में 2-3 हजार रुपये की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात, अच्छा मान लीजिए कि रवि और सुमन की बात करें, रवि रेशियो सुमन, ठीक है रवि रेशियो सुमन, और इनका वेतन 2:3 है, अगर मान लीजिए कि हम वेतन को एक्स मानते, क्योंकि जब तक रेशियो में एक्स नहीं लगाइए तब तक हम नंबर सिस्टम को जोड़ नहीं सकते, ये हमें भी पता है, मान लीजिए हम वेतन को एक्स माने तो रवि का वेतन 2 है तो हम कर देंगे 2x, सुमन का वेतन 3 है तो कर देंगे 3x, अब दोनों के वेतन में कितने की वृद्धि हुई, 3,000 की वृद्धि, तो यहां पर रवि का 2x रेशियो मतलब बटा सुमन का 3x, और दोनों के वेतन में 3,000 की वृद्धि होगी, प्लस 3,000 बराबर ये कितना हो गया जी, रेशियो हो गया 35 बटे अनुपात का मतलब बटा 35 बटे 50, देखो पहले तो हम इसको काटेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, 5 × 7 = 35, 5 × 10 = 50, अब क्या करेंगे, अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 10 × 20 = 20x + 3 × 6 और 6 × 3 = 40, ठीक है बराबर 27 = 21x + 27 = 21,000, यहां तक कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी, कोई बात नहीं चलो करके देखते हैं, एक जात वाले को एक तरफ करिए, 21x - 20x = 60,000, एक सेकेंड थोड़ा सा हमें लग रहा है दिक्कत है, 10 से गुना करेंगे तो 10 × 20 = 20x होगा, तो 3 × 3,000 × 10 = 30,000 ना होगा जी, हम 60,000 लिख दिए, तो वही हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, और यहाँ 27 = 21x + 27 = 21,000, अब इसको एक तरफ करिए, 21x - 20x = 30,000 - 21,000, वही हमको लग रहा था कहीं ना कहीं ना, तो x की वैल्यू 9,000, ठीक है x की वैल्यू क्या आया जी 9,000, प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों, प्रश्न पूछ रहा है देखिए सिंपल, सुमन का नया वेतन, अगर सुमन की बात करें तो सुमन के पास जो वेतन था वो पहले था 3x, लेकिन अभी 3,000 और बढ़ा है ना, तो ये है सुमन का नया वेतन 3x + 3,000, तो 3x यानी 3 × x की वैल्यू 9,000 + 3,000, 9 × 3 = 27,000 +
3,000 सीधे सीधे कहिए कि सुमन का नया वेतन 30,000 रुपया है और ये लीजिए, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे बी पर कहां चले गए आप लोग, मतलब एक कुआं में डूबेगा तो सारे बच्चे कुएं में डूब जाएंगे, क्या बात है भाई, वाह क्या गजब कर रहे हैं आप सभी लोग। मतलब ध्यान दीजिए, जो प्रश्न कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि बगल वाला जो जो लिख रहा है वो सही होगा आपका। हाँ बताइए, पांचवे प्रश्न में ही आप लोग इतने परेशान हो गए, बताओ अभी कितना लंबा सफर है हमारा और आपका। अभी तो सरकारी नौकरी घर लेकर आना है, अभी तो ख्वाबों में है वो नौकरी, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। एक बढ़िया सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखा जा रहा है फिर भी शेयर नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं और आप इतना भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर साइड हो जाइए, लो भाई सुरेंद्र ले लो स्क्रीन शॉट, वो मुझे पता है वो मुझे साइड क्यों कर रहा है, ठीक है। चलो छठे प्रश्न की ओर आ जाए। सवाल करें, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की बात ये बना के दिखाओ, ये बना के दिखाओ, जो जाने वाले स्टूडेंट है ये बना के दिखाओ भाई, हम जान जाए कि भाई आप कितना पढ़ने में तेज हो, बनाइए जल्दी। बनेगा या बताना पड़ेगा, जल्दी बताइए, फटाफट बताओ, बनेगा या बताना पड़ेगा जी। सवाल तो बहुत ही दमदार है और ये कई बार इस तरह के प्रश्न आपको रेलवे के एग्जाम में देखने को मिला, कई बार, ठीक है। और अभी तो आपको पता है ये बहुत ही हाईलाइटेड एग्जाम चल रहा है रेलवे ग्रुप डी, आधा एग्जाम भी अभी सही ढंग से नहीं हुआ, पता नहीं हुआ या नहीं मुझे नहीं पता उतना, पर अभी चल रहा है। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात, विशाल और शेखर, देखो मैं इसको एकदम ट्रिकली सॉल्व करूंगा, समय की कोई पाबंदी नहीं, बहुत बेहतरीन ढंग से। और हाँ याद रखिएगा कि बहुत बच्चे जो है एक्स करके बनाते हैं, हम एक्स करके नहीं बनाएंगे। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु 14:17, आयु की बात हो रहा है वो भी वर्तमान आयु की, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। देखिए ये वर्तमान है और ये 6 वर्ष बाद है, 17 से 20। देखो रूल होता है कि इस तरह के सवाल में दोनों के बीच कॉमन जो अंतर है वो निकालिए, 14-17 में 3 का अंतर, 17-20 में 3, अगर अंतर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एकदम ट्रिक बता रहा हूँ, कह रहा है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 है, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो गया, तो पहले और अभी में कितने का अंतर है, 3 का अंतर। अब देखिएगा अगर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप क्या करना कि वर्तमान से 6 वर्ष बाद चलना, तो आप इस वाले डेट को लिखना डिवाइडेड बाय, इसका कंपैरिजन अंतर से करेंगे और कब, जब अंतर दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, तो हमने 6 का कंपैरिजन 3 से किया। कह रहे शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, पहले तो वर्तमान आयु में आइए और उसके बाद शेखर में आइए, ठीक है, तो हम लिखेंगे शेखर की वर्तमान आयु। एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं आज के क्लास में, शेखर की वर्तमान आयु है 17, ठीक है, 3 × 6 = 17 × 34 वर्ष है जी शेखर की वर्तमान आयु, सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। क्लियर है इस प्रश्न का, आ गया उत्तर आपसे, हाँ बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं सही उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ रहा है, आ रहा होगा मजा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सी आ गया, क्या बात है। चलो अगर ये सुपर क्लास है तो लाइक का बटन तो आपके तरफ से दब ही जाएगा, मुझे पता है। सातवें प्रश्न की ओर अगर हम चले तो ये सातवां प्रश्न जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से आ चुका है, कह रहा है समीना और सुहाना की आयु 7:3 के अनुपात,
छह वर्ष बाद, अब देखिए हेल लीजिए, समय बढ़ रहा है लेकिन रेशियो घट रहा है। अब सवाल है, अब बना के दिखाइए जरा हमें, हम भी जान जाएं जल्दी, कुछ समय है आपके पास, वरना हम तो शुरुआत कर ही देंगे। जल्दी से उत्तर करिए, एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बहुत लाजवाब सवाल है ये, बहुत कम बच्चे इस तरह के प्रश्न बना पाते हैं, और आज हम भी जरा देखें भाई कितना है आप लोगों में दम। ठीक है, जल्दी, समय की अपनी सीमाएं हैं और सीमाओं को देखते हुए कम समय लेते हुए कोशिश कीजिए। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, आप मिलाते चलिएगा कि आप कहां से गलती हो रहा है। समीना एक का नाम है और दूसरे का नाम है सुहाना। समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है, 6 वर्ष। ये आयु का अनुपात है का मतलब वर्तमान की बात कर रहा होगा, ठीक है, वर्तमान आयु 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 है। कहिए सर, समय बढ़ रहा है तो आयु और बढ़ना चाहिए ना, लेकिन रेशियो तो घट रहा है। तो समय का कंपैरिजन हम रेशियो से नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। जरूर नहीं कि जो रेशियो देखने में बड़ा लग रहा है वो बड़ा ही होगा, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब समझिएगा कि एक है वर्तमान और एक है बाद, तो हम तो पहले बाद वाला ही यूज करेंगे, लेकिन यहां पर एक रूल होता है कि ऊपर और नीचे वाला अंतर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। कहां अंतर इक्वल है सर? यहां अंतर 2 है और यहां अंतर 0 है। ऐसी स्थिति में जब इस तरह की समस्याएं आपको पैदा हो जाए और इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछ दे, तो मैं आपको एक सुपर वाला ट्रिक देने वाला हूं। कैसा ट्रिक देने वाला हूं जी? सुपर वाला ट्रिक देने वाला हूं, और वो सुपर वाला ट्रिक ये है कि जब आपको अंतर सेम नहीं दिखे और आपका मन कर जाए कि नहीं काश अंतर सेम होता, हम तुरंत बना पाते, तो ऊपर वाले के अंतर में, ऊपर वाला यानी इन दोनों के अंतर में, कितना इन दोनों के बीच कितना अंतर है, ऊपर वाले अंतर को नीचे वाली संख्याओं में गुना कर दीजिए। 7 और 3 में कितने का अंतर? 4 का, (4)4। और नीचे वाले अंतर को, नीचे में कितना का अंतर था गुना करने से पहले? 5 और 3 था, 2 का, उसको कर दीजिए ऊपर वाली संख्या में गुना। कहिए ये सक्सेस रहेगा सर? 100%। ठीक है, अब देखिए कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6। काटना नहीं है फिर, जब काटना ही था तो फिर गुना करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। 14 और 6 कितने का अंतर? अप एंड डाउन 6। 6 और 12 कितने का अंतर? 6। अब देखिएगा वर्तमान से 6 वर्ष बाद चलेगा तो हम 6 लिखेंगे, और इसका कंपैरिजन अंतर से, कब? जब अंतर बिल्कुल सेम हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंतर बिल्कुल सेम है, तो अंतर का तुलना अंतर से करें। इनकी आयु में, तो इनकी आयु में कितने का अंतर होगा? ये इनकी आयु में कितने का अंतर है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है, तो आप बताइएगा कि अंतर की बात करें तो वर्तमान में, अगर समीना की बात करें तो सर वर्तमान में समीना की आयु रेशियो में 14 है, और सुहाना की बात करें तो सर वर्तमान में सुहाना की आयु रेशियो में 6 है। तो समीना और सुहाना के बीच 6 और 14, यानी अंतर जो है समीना और सुहाना के बीच 8। जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में पूछा उससे गुना, 6 से 6 कैंसिल, यानी दोनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होगा जी? 8 वर्षों का अंतर है। और हाँ, अंतर पूरी जिंदगी उतना ही रहता है। अगर आपका भाई आपसे 2 वर्ष बड़ा है तो 50 साल बाद भी वो आपसे 2 ही वर्ष बड़ा रहेगा, क्योंकि जब उनकी आयु बढ़ेगी तो आप रुके हुए नहीं रहोगे, उनके लिए आप भी बढ़ते चलोगे। क्या मैं कह रहा हूँ सही? तो ये गणित के ये 15 धाकड़ प्रश्नों का ये सबसे शानदार प्रश्न था। क्या आप संतुष्ट हैं इसके सॉल्यूशन से? हाँ या ना में आप हमें जवाब दे सकते हैं, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रख सकें। जल्दी जल्दी उत्तर करिए ताकि अगले प्रश्न को आपके स्क्रीन पर रख सकें। संतुष्ट हैं? हाँ या ना में जवाब कीजिए कि क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं। अगले प्रश्न पे हम फोकस करेंगे अगर आप संतुष्ट हैं तो। चलिए अगला प्रश्न,
सेम क्वेश्चन वही है मेरे हिसाब से, चलिए कोई बात नहीं। ये बना के दिखाओ, अगर अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ी है कहीं भी, ये बना के दिखाओ, मैं भी मान जाऊं जरा आपको। एकदम सबसे सुपर क्लास क्वेश्चन, आज का सबसे सुपर क्वेश्चन, देखते हैं जरा भाई किनके हाथ लगता है ये प्रश्न। एक बेहतरीन सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, और हम देखना चाहेंगे कि इस प्रश्न का सबसे पहले उत्तर कौन सा स्टूडेंट देता है जी। चलिए फटाफट बनाइए, देखे जरा किससे बनेगा। सवाल बहुत ही शानदार है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है, और फिर भी वह दुकानदार 20% का लाभ, देखते हैं कि कम दाम में भी बेचिएगा तब भी कहते रहे हम तो प्रॉफिट में हैं, हानि तो कभी होगा ही नहीं। अब मान लो 100 में खरीदा और 200 दाम रखा और 150 में बेच दिया, तो क्या फर्क पड़ा, 50 रुपया तो बची रहा है उसको, तो ऐसे ही कुछ कंडीशन बना होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट, मान लीजिए कि प्रश्न में अंकित ओहो, मान लीजिए कि प्रश्न में ये क्या हो रहा है जी, मान लीजिए कि प्रश्न में कोई बात नहीं, मान लीजिए कि प्रश्न में अंकित मूल्य है 100%, कोई भी चीज आप 100% मान सकते हो, तो हमने माना कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 100% है। 22% की छूट देना, यानी छूट देने का मतलब है कि आप वस्तु को बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य होगा 22% की छूट देता है जी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 - 22 यानी 78%। उसके बावजूद भी देखिए कह रहे फिर भी 20% का लाभ कमाता है। लीजिए क्रय मूल्य की बात करें, आपने अंकित कितने में किया, 100 में, अंकित 100 में करके आपने कितना का छूट दिया, 22%, यानी अब वस्तु को कितना में बेचे, 78% पर। अभी भी खुश हैं, कह रहे 78 में बेचे तो क्या हुआ, 20% का लाभ कमा रहे, यानी इस 78 की वैल्यू कितने प्रतिशत के बराबर, 20% का लाभ कमाना, यानी इस 78 की वैल्यू अभी भी 120% है। आपने 78 में बेचा फिर भी कह रहे कि हमें तो 20% का लाभ हुआ, यानी इस 78 की वैल्यू 120%। और कोई भी वस्तु क्रय मूल्य निकालना हो तो कोई भी वस्तु में 100 से गुना करिएगा तो वस्तु का क्रय मूल्य निकलेगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 20 × 120, 20 × 25 100, 13 × 78, 13 × 65 प्रतिशत है जी वस्तु का क्रय मूल्य। सब जगह प्रतिशत लगा रहे तो यहां भी प्रतिशत ही लगा दिया हमने। अब देखो तांडव क्या होता है यहां पर, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य। सवाल कह रहा है यदि वस्तु की लागत, लागत का मतलब भी होता है क्रय मूल्य ही, लागत यानी पैसा लगाना, पैसा लगाना यानी वस्तु को खरीदना, यानी क्रय मूल्य की ही बात कर रहा है। तो सवाल कर रहा है कि यदि वस्तु की लागत 520 रुपया है, हाँ बताइए प्रतिशत में कितना लगाए थे बाबू, सर प्रतिशत में लगाए थे 65%, तो कहेंगे रुपया में लगाए 520 रुपया, प्रतिशत में लगाए 65%, यानी लागत का कंपरीजन लागत से, लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य। बात एकदम क्लियर है, फंडा एकदम क्लियर है, लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो हमने लगाया 520 जिसकी वैल्यू प्रतिशत में 65%, तो लागत का कंपरीजन लागत से। कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य, आपने पढ़ा ही होगा कि जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, और जिसके बारे में पूछे जी, बिल्कुल जिसके बारे में पूछे, किसके बारे में पूछ रहा है भाई, सर पूछ रहा है अंकित मूल्य के बारे, अंकित मूल्य कितना था,
सौ, जिसके बारे में पूछे उससे गुणा कर दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत हटा दीजिए, 13 × 5 = 65, नहीं तो ऐसे करिए, रुक जाइए, ज्यादा स्पीड में मत भागिए, प्रतिशत से प्रतिशत, ठीक है, 5 से काटिए, 13 × 5 = 65, 20 × 5 = 100, 13 × 52, 40, 12 में 40 × 2 = 800, ये लीजिए जी वस्तु का आ गया अंकित मूल्य, सॉरी क्या था, सॉरी हाँ अंकित मूल्य, माफी चाहेंगे। अब बताएं जरा फीडबैक हमारा। अच्छा मैं देखो अभी भी बच्चा 750 और बी और सी पर जा रहा है, भाई आसान को आप इतना कठिन क्यों कर रहे हो, जो चीज सीधी उंगली से निकल रही, पता नहीं आप लोग उंगलियां टेढ़ी कर रहे हो, टेढ़ी कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, मजा आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, एक बेहतर कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड किया आपके लिए, ठीक है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं, और चलिए बना के दिखाओ जरा, हम भी देखें कितना आप लोग भाई कितना सेट प्रैक्टिस करते हो, कितना क्या करते हो, कहाँ आपने पढ़ाई की है, हम भी तो जरा देखें। आप लोग एक बार, आप लोगों से अनुरोध है, देखिए ये इस बैच को मिस नहीं करिए, मैं इस बैच पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सफलता बैच, बैच का नाम है सफलता बैच, 1999 का बैच है जो अभी आपको सिर्फ 399 टीचर्स डे का ऑफर आया था, और आज भी ऑफर है, आप जाइए, कल से लगभग 70-80 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है सफलता बैच को, ठीक है, तो आप जाइए और सफलता बैच को ज्वाइन कीजिए, और मात्र 399 में मैथ और रीजनिंग आप हमसे पूरा पढ़िए, फुल्ली लाइव, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड, अभी एक महीने पहले वो बैच शुरू हुआ है, सिर्फ रेशियो खत्म हुआ है, रेशियो का रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, फुल HD रिकॉर्डेड, वही जो लाइव रहता है ना वही रिकॉर्डेड में चला जाता है, बनेगा जल्दी बताइए, बन जाएगा, एक परीक्षा में गणित में 66%, अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, और 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। चलिए अगर बनेगा तो ठीक है, वरना आप अपना हाथ उठा सकते हैं। एक बार बताएंगे बनेगा या हाथ उठाना पड़ेगा आपको। चलो देखो एक फॉर्मूला होता है जी इस तरह के प्रश्नों के लिए, और वो फॉर्मूला इस तरह से है, ये क्या कौन सा एग्जाम कौन सा है जी, ये परसेंटेज का प्रश्न है, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू इस तरह के प्रश्नों को हम डील कर सकते हैं। थोड़ा रुकिएगा, ठीक है, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितने परीक्षा में 66% गणित में 70% अंग्रेजी में और अभ्यर्थी पास हुए, यदि 20% दोनों विषयों में फेल हो गया, ऐसा करते हैं कि पास का तो 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, ये जो पास है ना ये दो विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बताएगा, ये जो फेल है ये दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बताएगा, तो कह रहा है कि 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए, यानी हम यहां से हमें फॉर्मूला जो लगाना चाहिए था वो पास वाला लगाना है, तो हम लगा ही देते हैं कि भाई दोनों विषय में कितना परसेंट पास हुआ, जिसकी वैल्यू 350 गिवन है, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, अब ये प्लस प्लस क्या होता है, देखिए जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट है उसको यहाँ रखिए, 66% गणित में 70% अंग्रेजी में, और जो दोनों विषय है दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हो गया, लेकिन फॉर्मूला क्या है, पास प्लस पास माइनस पास, तो यहाँ पर दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे 80% ऐसे होंगे
जो या तो सिंगल सब्जेक्ट में या एक विषय में उत्तीर्ण होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20 ना लिखकर, हम यहाँ पर 20 ना लिखकर 80 लिखेंगे। पास प्लस पास माइनस पास, ये सिंगल सब्जेक्ट पास, ये भी सिंगल सब्जेक्ट पास, और ये ड्यूल सब्जेक्ट फेल, यानी 20% ऐसे विद्यार्थी जो दोनों विषय में फेल होगा, तो 80% ऐसा होगा ना जो कोई ना कोई विषय में तो जरूर पास होगा। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, 7, 6, 13, 136 माइनस 80, ठीक है, 7, 6, 13, 136, 80, 50। 56% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, जिसकी वैल्यू 350, ठीक है, प्रतिशत में 56%। और कह रहा है टोटल कितने स्टूडेंट परीक्षा में बैठे, ठीक है भाई, टोटल की बात करें तो 100%, 4 से करिए तो 14 चक 56, 25 चक 100, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 25 बार में 25 गुने 25, 625 विद्यार्थी परीक्षा में बैठा था जी, करके देख लो। बिल्कुल लो भाई, स्क्रीनशॉट भी ले लो, बाद में मुझे बदनाम मत करना। अब बताइए फीडबैक अपना, और हाँ, सफलता बैच एक ऐसा बैच है ना जिसको, जिसमें आपको टॉपिक वाइज पूरा क्लास मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी भी है ना, लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ है, 1 साल की वैलिडिटी है, और 1 साल में आप जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं, टेस्ट भी है वहाँ पे, बुक सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा, PDF भी उसी के अंदर डाला गया है, जो जो ये PDF, इस तरह की PDF ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, कोर्स के अंदर डाला गया है। तो ठीक है, तो एक बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार आइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर एक बार विजिट करिए, आप निराश कभी नहीं होंगे, क्योंकि मैं जिस लेवल तक आपको पढ़ा दूंगा उस लेवल तक आपको आप में अगले स्टेप में निराश ही नहीं, और मैं उस लेवल तक पढ़ाता हूँ। देखिए लोग क्या करते हैं, खुद पढ़ते खुद समझते हैं, मैं कहता हूँ ऐसी शिक्षा किस काम की जिसमें सामने वाले को ही आप खुश ना कर पाए, ठीक है, सामने वालों को ही आप संतोष ना दिला पाए, क्योंकि हमें पता है संतोषम परम सुखम, जहाँ संतोष है वहाँ सुख है, और वो संतोष नहीं कि भाई हमें नहीं मिला तो संतोष करें, नहीं, हमें इसमें हासिल करना है, उस लेवल तक जाना है, और आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट, ठीक है वैशु, ठीक है द्विवेदी, चलिए वेलकम है आपका, जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं सबको एक बहुत बड़े लेवल तक कॉन्सेप्ट हम प्रोवाइड करेंगे, और बहुत मजा आने वाला है, हर एग्जाम को लेकर आप यहाँ पर अपनी तैयारी रख सकते हो, आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट, GS के भी टीचर बहुत जल्द हम लोग ला रहे हैं, और वो भी बेहतर टीचर जो आपको एक फुल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर सके, एक बहुत ही शानदार टॉपिक दे सके। तो फिलहाल ठीक है, फिलहाल आज के क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं, टॉप 10 ही रहने देते हैं, 15 काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन हम आपके लिए रिपीट करवा देंगे, लेके आएंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को, ओके बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कुछ अगले क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, ओके।